देखिए, एक माँ की कीमत क्या होती है ये वही बता सकता है जिसके पास या तो उसकी माँ नहीं होती है, या वो बता सकता है जो अपने माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और दोस्तों, आप सभी लोगों के मुझे बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे मेल आते हैं कि आप अपने माँ के बारे में हमें क्यों नहीं बताते हैं, और साथ में अब तक आपने सब लोगों को दिखाया लेकिन आप अपने मम्मी के बारे में बात नहीं करते हैं या उन्हें अपने वीडियोज़ में नहीं दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज आपको मेरे मम्मी के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा, और साथ में आप अगर इस पूरे स्टोरी को सुनते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलेगा। और हाँ, आइए हम चलते हैं समय में थोड़ा सा पीछे, यानी 2012 में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे फैमिली में 5 लोग हैं, मम्मी, पापा, भाई, बहन और मैं। मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा हूँ। तो दोस्तों, 2009 का वो समय था जब हम सभी लोग गोवा गए, यानी मेरी मम्मी, पापा, मैं और मेरा भाई बहन, सब लोग हम लोग गोवा चले गए। और 2009 में हम लोग गोवा गए और वहाँ पर हमारे पापा जो थे ना, वो छोटा सा अपना बिजनेस करते थे और उसी से जो पैसे आते थे, मतलब एक खुशहाल जो लाइफ होता है वो वहाँ पर हम जी रहे थे। मतलब किसी भी चीज़ की हमें कमी नहीं थी, ना खाने की और ना रहने की। हम लोग वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, मैंने अपना आधा जो पढ़ाई है वो गोवा में कंप्लीट किया हुआ है। वहाँ पर जो हमारा लाइफ है वो बिल्कुल मस्त चल रहा था। मतलब गोवा में रहना, पढ़ना, सारी चीज़ें, हम बहुत ज़्यादा मस्ती किया करते थे। मुझे याद है वो, मैं बहुत छोटा सा था लेकिन मुझे जो चीज़ें याद है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो चीज़ें मुझे नहीं याद है वो मैंने घर से पूछा। तो हम सभी लोग अपने घर में आराम से बैठे हुए थे और हमारे पापा जो कि अपने जो बिजनेस करते थे वहाँ पर वो चले गए थे अपना बिजनेस पे। और उसके बाद हम लोग घर पे सभी लोग थे, मेरी मम्मी, मैं, भाई, बहन, सब लोग। लेकिन अचानक तभी क्या होता है कि मेरी मम्मी का हेल्थ ख़राब हो जाता है। हेल्थ ख़राब होने की वजह से हम क्या करते हैं कि हम हड़बड़ी में फ़ोन करते हैं हमारे मामा को, क्योंकि वो भी वहीं पर रहते थे। तो उनको फ़ोन करने के बाद एम्बुलेंस वगैरह आता है, वो आ जाते हैं घर पे और मेरी मम्मी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के 4 से 5 दिन बाद क्या होता है कि उनका हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं आता है। उनका जो हेल्थ है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा ख़राब होते चला जाता है। और उस टाइम पर मैं छोटा सा था, मुझे बहुत चीज़ें नहीं पता है कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। मुझे जितना लोगों ने बताया मुझे उतना केवल पता है, और उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो 5 से 6 दिन बीत गए थे और मेरी मम्मी के जो हेल्थ है उसमें थोड़ा सा भी सुधार नहीं आ रहा था, बल्कि और ज़्यादा उनका हेल्थ ख़राब होते जा रहा था। और फाइनली वो 7वां दिन, जिस दिन हमारे मम्मी का जो हेल्थ है वो बिल्कुल ख़राब हुआ और उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। 7 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहीं। जब वो बीमार हुई थी, जब घर से वो निकल रही थी, तो उस टाइम पर उन्होंने मुझसे कोई बात बोला था, लेकिन क्योंकि मैं छोटा था मैं समझ नहीं पाया। और मैंने सोचा था कि जब वो ठीक हो जाएंगी तो उस चीज़ को मैं पूछूंगा कि आखिर उन्होंने मुझसे क्या कहा था। लेकिन मैंने भगवान से बहुत ज़्यादा, मतलब मैं छोटा सा था और मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था कि मेरी मम्मी जब ठीक हो जाएंगी तो मैं उनसे पूछूंगा कि आखिर उन्होंने मुझसे क्या कहा था। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था, उन्होंने ठीक ही नहीं किया, या कह सकते हैं कि वो ठीक नहीं हुई। और 7 दिन बाद वो हम सभी लोगों को छोड़ करके इस दुनिया से चली गई। और क्योंकि वहाँ पर हमारे फैमिली के केवल पापा थे, मैं, मम्मी और मामा लोग थे, तो उनका डेथ हो गया। और पता है, आज के समय में लोग इंसान की कीमत नहीं बल्कि पैसे की कीमत करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि इंसान मर जाता है और मरने के बाद भी उसको हॉस्पिटल में रखा जाता है, तो वही वाला कुछ सीन था। अब उसके बारे में मुझे अच्छे से नहीं पता है तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन उनके डेथ हो जाने के बाद उनका पूरा जो हॉस्पिटल है ना, वो केवल मेरा भाई तो बहुत छोटा था, मैं ही थोड़ा सा जानने लायक था, तो पूरा हॉस्पिटल ना मेरे चिल्लाने की केवल आवाज़ों से गूंज रहा था। बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं था लेकिन फिर भी था वो हॉस्पिटल, और मैं वहाँ पर रो रहा था इतनी तेज़ी से ना, मुझे पता चल चुका था, लोगों ने मेरे सामने बता दिया था। और पता चलने के बाद मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि आपको पता है कि एक बच्चे के लिए उसकी माँ की कीमत क्या हो सकती है,
ये उससे ज़्यादा कोई जान ही नहीं सकता है। मैं बहुत ज़्यादा रोने लगा और उसके बाद उनको वहाँ से ले जाया गया और गोवा में ही उनको उनका अंतिम संस्कार किया गया। और उसके बाद हम लोग मामा के रूम पे चले गए और मामा के रूम पे जाने के बाद फिर वहाँ से हम लोग कुछ दिनों बाद अपने गांव चले आए। गांव में आने के बाद जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो यहाँ पर पूरा किया गया और उसके बाद हम लोग गाँव में ही रहने लगे। आज भी जब मैं वो दिन को याद करता हूँ तो मुझे मतलब इतना ज़्यादा बेकार लगता है कि क्या बताऊँ। बचपन में भगवान ने माँ को छीन लिया। मुझे कभी कभी जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ तो मैं खुद से सोचता हूँ कि मम्मी की जगह पर काश मुझे भगवान ने मार दिया होता तो शायद आज सभी लोग अच्छे से होते, कम से कम मम्मी अच्छे से। उनको वो चीज़ें मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मतलब मैं इससे अगर आगे और बोला तो हो सकता है कि मुझे रोना भी आ जाए। उसके बाद घर आने के बाद हमने घर पे ही पढ़ाई करना शुरू किया। स्टार्टिंग में जैसा कि आपको पता है कि स्टार्टिंग में सारी चीज़ें ठीक होती हैं, हम लोग पढ़ाई वगैरह कर रहे थे अच्छे से अपना। और स्कूल में क्या हुआ कि एक साल दो साल बाद क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होने लगा पैसों को लेकर के। और इसके बाद पेपर का टाइम आया, स्कूल में मैं गया। मैं गोवा से आने के बाद मैं अपने बुआ के घर जा कर के 2 से 3 साल वहाँ पर रहा हूँ। पहले मैंने गोवा में पढ़ाई किया, इसके बाद अपने गांव में आकर पढ़ाई किया, इसके बाद मैं बुआ के घर चला गया और वहाँ पर जा कर के मैं पढ़ाई करने लगा। तो इस तरीके से जो मेरा पढ़ाई है वो एक स्कूल में नहीं हो पाया, कई सारे स्कूल में डिवाइड हो गया और जिसके कारण पढ़ाई में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता था। जब भी मैं एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाता था तो वहाँ पर नए नए लोगों से मिलना और उनसे दोस्ती करना थोड़ा सा मुश्किल होता था, बट समय के साथ हो जाता था मैनेज। और क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ था, मतलब पढ़ाई में अच्छा था मैं, तो इस वजह से लोग जल्दी दोस्त बन जाते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मैं बुआ के घर से अपने घर चला आया और यहाँ पर दोबारा से मैं पढ़ाई करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने फ़ीस नहीं जमा किया हुआ था और इसकी वजह से जो स्कूल वाले थे उन्होंने मुझे पेपर नहीं देने दिया और पेपर से निकाल दिया। पेपर से निकाल देने के बाद मैं वहाँ पर स्कूल में जब आपको निकाला जाता है तो उस टाइम पर बहुत सारे लड़के आपको देखते हैं और वहाँ पर निकालने के बाद थोड़ा सा मुझे बेइज्जती जैसा महसूस हुआ, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं जैसे ही स्कूल से बाहर निकला तो मुझे रोना आ गया और मैं पूरा स्कूल से लेकर घर तक मैं रोता हुआ आया। मतलब मेरे आँखों से आंसू ऐसे गिर रहे थे और मैं वहाँ से घर आ रहा था। मैं घर आया और मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि अगर आपके पास पैसा नहीं होता है तो आपकी कोई भी कद्र नहीं होती है। और मैंने उसके बाद ना जैसे मेरा पढ़ाई से एकदम मन ही हट गया, मैंने पढ़ाई करना एकदम बंद कर दिया और 2 सालों तक मैंने कोई भी पढ़ाई किया ही नहीं। 2 साल मैंने एकदम पढ़ाई करना बंद कर दिया और उसके बाद 2 साल बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं 2 सालों तक यहाँ वहाँ काम करने लगा। मतलब कभी जो खाना वगैरह नहीं बनाते हैं हलवाई, तो वहाँ पर जाकर काम किया। जो टेंट वाला होता है जिसमें लाइटिंग वगैरह किया जाता है, झालर वगैरह, तो उसमें जाके काम किया। और गेहूँ वगैरह काट कर ये सारे काम करके और काम किया 2 सालों तक। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इन सब में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे कुछ अलग करना है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा कि कुछ ना कुछ मुझे सीखना पड़ेगा स्किल। और उसके बाद फिर मैंने सीखना शुरू किया, मैं बाहर गया, फ़ोन लिया, सीखना शुरू किया और फिर मुझे पता चला YouTube के बारे में। देखिए, मैंने जो अपना पढ़ाई छोड़ा था वो जानबूझकर के नहीं छोड़ा, मेरे पास पैसे नहीं रह गए थे और घर पे उतना कोई था नहीं कि वो पैसे दे और मैं पढ़ाई कर सकूं, तो दूसरा रीज़न ये भी था। और तीसरा रीज़न था ज़िम्मेदारी। देखिए, जो मम्मी हमारी जो है उनका डेथ होने के बाद जो पापा हैं वो मतलब कह सकते हैं कि उनको एक सदमा जैसा लग गया, तो उसके बाद वो उतना कुछ करते नहीं हैं। तो जितने भी ज़िम्मेदारियां हैं वो मुझे निभानी पड़ती है, फिर चाहे वो भाई बहन के स्कूल की फ़ीस हो या कुछ भी, मतलब कोई भी चीज़ हो वो मेरे ऊपर आती है। तो मुझे अपने घर की ज़िम्मेदारी भी निभानी थी और इस वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ करके काम करना बेहतर समझा। क्योंकि आपको बताया कि मैंने बताया होगा कि मैं 6 महीने तक केवल नमक और चावल और ये प्याज वगैरह, मिर्च वगैरह, ये चीज़ें खा करके और रहा है। तो देखिए, कोई भी लड़का नहीं चाहेगा कि वो अपनी स्कूल लाइफ छोड़ करके मजदूरी करे, काम करे, ये करे, लेकिन जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो उससे करवा देती हैं।
और मेरे साथ भी ऐसा ही था। मम्मी के जाने के कुछ दिन बाद हमें एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ा है। मतलब अगर एक एक रुपए, जिसे कहते हैं एक रुपए के लिए तरसना पड़ता था। मैंने अपने जीवन में बहुत मेहनत किया है, बहुत संघर्ष किया है, मैंने बहुत सारी चीज़ों को, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ में मैंने झेला है ना। और मेरे जीवन में एक समय ऐसा आया कि सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया, मतलब सब लोगों ने साथ छोड़ दिया था, लेकिन मैंने मेहनत पर अपने भरोसा रखा। मैंने कहा कि मैं कर सकता हूँ, और मैंने मेहनत पर ध्यान दिया, सीखने पर ध्यान दिया। मैंने सोचा कि अगर मैंने इसको एक बार शुरू कर दिया है तो पीछे जाने से अच्छा है कि मैं इसमें धीरे धीरे सही लेकिन आगे जाऊँ। और मैंने मेहनत करना कभी नहीं छोड़ा, और शायद इसी का फल है कि आज मैं यहाँ पर हूँ और आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि मम्मी कहाँ पर हैं, और मुझे काफ़ी बुरा लगता है, और लेकिन हम क्या कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होता है, और वही चीज़ मेरे साथ भी हुआ। अभी भी मेरा स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर मेरा मेहनत ऐसे ही जारी रहा और आप लोगों का प्यार ऐसे ही रहा तो एक दिन ये भी ख़त्म हो जाएगा और अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। और देखिए, लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा दुख हमें प्यार देता है, लेकिन मैं आपको सच बताऊँ ना तो सबसे ज़्यादा दुख हमें गरीबी देती है, क्योंकि इससे बड़ा श्राप कोई चीज़ हो ही नहीं सकता है। गरीबी आपको, मतलब आपका उम्र भी नहीं देखती है कि आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, आपका पैर नहीं है, हाथ नहीं है, कुछ नहीं देखती है। तो इसीलिए जितना जल्दी हो उसके आप लोग गरीबी से निकल जाइए, वरना पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा हाथ में। बाकी इस वीडियो में मैं कुछ और नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं क्या ही बोलूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।